चलो आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाती हूँ, जिसे सुनकर आप अपने आप को तलाशने लगोगे। ये कहानी आपकी बौद्धिक कुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगा देगी, क्योंकि इस कहानी को सुनकर ये संभव है कि आप अपने किए व्यवहार पर पश्चाताप करें और अपने आप को कोसे भी। साथ ही इस कहानी को सुनने के बाद आप एक नई दिशा में प्रेरित भी हों। एक गांव था बहुत ही सुदूर प्राचीन समय का, जहां शिक्षा का कोई प्रचार प्रसार नहीं था। गांव के सभी लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। सभी लोग एक दूसरे के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते थे। ये सब लोग खेती बाड़ी करके बहुत ही सामान्य जीवन जी रहे थे। कुछ समय बाद उस गांव में शहर से एक व्यक्ति आया। उसने देखा कि इस गांव के लोग तो बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले हैं। उसने सोचा कि मुझे इन गांव वालों को पढ़ाना चाहिए, और उस शहरी व्यक्ति ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। दो एकम दो, दो दुनी चार, दो तिया पाँच। अब गांव वाले भोले भाले लोगों ने वैसे ही रटना शुरू कर दिया, दो एकम दो, दो दुनी चार, दो तिया पाँच। क्योंकि वे भोले भाले थे, उन्हें उस शहरी अध्यापक पर जरा भी अविश्वास नहीं हुआ। समय बीतता चला गया। समय के साथ साथ सब गांव वाले उस अध्यापक के प्रति समर्पित हो गए, और सारे गांव में उसका विशेष सत्कार किया जाने लगा। वह अध्यापक पूरे गांव में सबसे प्रमुख व्यक्ति बन गया। सभी गांव वाले उसकी राय लेकर ही कोई काम करते थे। इसी दौरान उस गांव में एक दूसरा अध्यापक आया। वह बड़ा नेक स्वभाव का और सरल हृदय व्यक्ति था। जब उसने वहाँ के लोगों से ये सुना कि दो एकम दो, दो दुनी चार, दो तिया पाँच, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। उसने सोचा कि ये गांव वाले बड़े भोले और सीधे व्यक्ति हैं, और इन्हें गलत ज्ञान प्राप्त है। जरूर इन्हें सत्य बात बतानी चाहिए, और उस व्यक्ति ने अपना फर्ज समझकर इसके लिए प्रयास किया। उसने गांव के कुछ लोगों को अपने पास बुलाया और ये बात बताई कि दो तिया पाँच नहीं, दो तिया छह होता है। इस पर वे लोग गुस्सा हो गए, क्योंकि वो अपने पुराने अध्यापक के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। फिर भी उस अध्यापक ने अपना प्रयास जारी रखा, और बार बार समझाने से गांव के कुछ लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये नया अध्यापक सही कह रहा है। अब इस बात को समझकर गांव के लोग अपने पुराने अध्यापक के पास गए और कहा कि गुरुजी, आज एक नया अध्यापक आया है। उसने बताया कि दो तिया छह होता है, और आप हमें दो तिया पाँच बता रहे थे, मतलब आप तो गलत बता रहे थे। उन गांव वालों की बात सुनकर ये बात उस बूढ़े अध्यापक के भी समझ में आ गई कि वास्तव में दो तिया छह होता है, पाँच नहीं। अब बने क्या, सारा जीवन तो उसने गांव वालों को यही बताया कि दो तिया पाँच होता है। अब उसके सामने दो ही विकल्प है, या तो वो सच्चाई को स्वीकार कर ले जो नया अध्यापक बता रहा है, या फिर वो गांव छोड़कर कहीं भाग जाए। समय के साथ लोगों को सब अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो धूर्त था और ढीठ था, और प्रभुता का भूखा भी था। उसने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि मेरा काम भी चलता रहे और पोल भी न खुले। उसने एक स्कीम बनाई। उसने सोचा कि क्यों न इस नए टीचर को बदनाम कर दिया जाए कि कोई इसकी बात ही न सुने। इसको देखते ही लोग कहें कि भाग, नहीं सुनना हमें तेरी कोई बात, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और ये लोग मेरे ऊपर ही आश्रित रहेंगे। और उस दुष्ट टीचर ने ऐसा किया भी। उसने अपने चेलों को बुलाकर उनके द्वारा उस नए टीचर को पूरे गांव में बदनाम करवा दिया। अब वो टीचर सच बताने की कोशिश करे भी तो लोग उसकी बात न सुने और उसके ही पीछे पड़ जाए कि तू हमारे अध्यापक की बेइज्जती करता है, जिसने हमें जीवन भर पढ़ाया। इस तरह भोले भाले गांव के लोग अपने ही हितैषी अध्यापक के शत्रु बन गए। आप समझदार हैं, इशारा समझ गए होंगे। इस कहानी से आपको समझ आ गया होगा कि समाज में ऐसा क्यों फैलाया गया। दरअसल संत रामपाल जी ने सब नकली गुरुओं महर्षियों के अज्ञान को उजागर करके उनके बौद्धिक और आध्यात्मिक दिवालियेपन को जनता के सामने रख दिया, जो प्रभुता के भूखे लोग बर्दाश्त न कर सके।
इसलिए उन्होंने अपने चमचों से संत रामपाल जी को इतना बदनाम करवा दिया कि कोई इनकी बात न सुन ले और जनता तक इनका ज्ञान न पहुंच जाए, जिससे उनकी प्रभुता बनी रहे और पोल भी न खुले। मेरा मानना है आप बौद्धिक दिवालिया नहीं है, सच झूठ का निर्णय कर सकते हैं। YouTube पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा उपलब्ध है, जिसमें संत रामपाल जी ने सभी धर्म गुरुओं के अज्ञान की खाल उतार दी है। आप भी देखें और स्वयं निर्णय करें कि आपका सच्चा हितैषी कौन है। देश सेवा मात्र सरहद पर नहीं होती, सच का साथ देना व लोगों को इसके बारे में बताना भी समाज सेवा है, राष्ट्र सेवा है, और आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके। थैंक यू। जय हिंद।